आठ पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी विकास दुबे आखिरकार शुक्रवार को एनकाउंटर में मारा गया। हालांकि उसके मारे जाने के बाद भी पुलिस चैन से नहीं बैठी है और पुलिस का ऑपरेशन जारी है। विकास दुबे के बाद पुलिस को उन 12 साथियों की तलाश है जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि बिकरू कांड को अंजाम देने के मामले में 21 अभियुक्तों को नामजद किया गया था, जबकि 60 से 70 अन्य अभियुक्त भी पुलिस के रडार पर हैं। उन्होंने बताया कि विकास दुबे समेत 6 नामजद अभियुक्त मारे जा चुके हैं, जबकि 3 को गिरफ्तार किया गया। एडीजी ने कहा कि 21 में से 12 अपराधियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जानकारी के अनुसार पुलिस की टीम लगातार फरार अभियुक्तों की तलाशी में छापेमारी कर रही है। गौरतलब है कि कानपुर कांड के करीब 8 दिन बाद विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन जब एसटीएफ की टीम उसे कानपुर ले जा रही थी तब पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और विकास दुबे भागने की कोशिश करने लगा। इस दौरान पुलिस ने एनकाउंटर कर विकास दुबे को मार दिया। विकास को गोली लगने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं अन्य एनकाउंटर में विकास के साथी अमर दुबे सहित 5 अपराधियों की मौत हो चुकी है। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.